नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप विद एन एक्सेशन ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें बताना है फर्दर इलॉन्गेशन क्या होगा ना इस केस में हम बात कर रहे हैं अपने इस सिनेरियो की इसको रेस कर देते हैं तो हम बात कर रहे हैं इस सिनेरियो की कि ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका एक लिफ्ट में रखा हुआ है और ये जो आपकी लिफ्ट है तो इसको हटा देते हैं ये वन के जी ये हमने वो कर दिया ऑलाइट और ये पूरी लिफ्ट आपकी ए एक्सेशन से ऊपर जा रही है ठीक है सो हमें बताना है कि इस बार एक्सडे जो आपका इलॉन्गेशन है वो कितना आएगा पिछली बार जब लिफ्ट रुकी हुई थी तो आपका पॉइंट टू मीटर था ना इस केस में ये ऑफ कोर्स हम यूज़ नहीं करेंगे अब आपका एक्सेलेटेड सिस्टम है तो इस केस में हम जो यूज़ करेंगे के एक्स विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए एलाइट सो so डायरेक्टली आप इसको यूज़ uh, कर सकते हैं सो so आपका जो एक्स हो गया दैट विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के बस डेटा रख के आपकी वैल्यू आ जाएगी सो so मास यहाँ पे अपना टू मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि टेन प्लस टू एक्सलेशन से ऊपर जा रहे हैं डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो ये बन गया आपका ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर सो ये आ गया जीरो पॉइंट टू फोर मीटर ना इसी का जो सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हमने कहा कि uh, इसी के ऊपर हमने वन के जी का ब्लॉक रख दिया हाँ लाइन सो हमें बताना है उसका एक्सलेशन क्या होगा तो इस केस में जो आपका सेकेंड एक्स डैश आएगा कलर डिफरेंट ले लेते हैं देट विल बी इक्वल टू वो आएगा आपका एम मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए डिवाइडेड बाय के और एम यहाँ पे हो जाएगा थ्री टेन प्लस टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो ये हुआ आपका ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स सो ये हो गया आपका जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मीटर नाउ इलॉन्गेशन की जब हम बात करें डेल्टा एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0.36 माइनस 0.24, सो आपका डेल्टा एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0.12 मीटर सो ये अपना फ़ाइनल आंसर हो जाएगा सो जीरो 0.12 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर दैट विल बी आर फाइनल आंसर